ये मौज तो खास है। मम्मा को भी नहीं आता है। बैठे बैठे बोर हुए, कर ले हैं कुछ काम, शुरू कर दी व्लॉगिंग, शायद हो जाए नाम। इसी बात पे एक सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज हम जा रहे हैं अपने गांव। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं एक बहुत छोटे से गांव से आता हूं जो हरियाणा में है, और हमारे पिताजी हमारे को शुरू से यहां ले आए थे शहरों में, हमारी अच्छी एजुकेशन कराई। हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत करी है जो एक छोटे से गाँव में आके, और ये हमारे को एक अच्छा सुंदर सा घर दिया है रहने को, और जो आगे बढ़े। तो आज आपको दिखाते हैं हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हैं। और अन्ना देख लो, हमेशा लेट होती है, और ये अब देख लो अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, और पूरी फैमिली तैयार है। मम्मी पापा के साथ हम जा रहे हैं, इसका ब्रेकफास्ट शुरू हो चुका है। चलो सुबह भी जा रहा है हमारे साथ। हाय हाय। तो सुबह बहुत मस्ती में, और आज हम फुल फन करेंगे। तो अभी क्या था, कैमरा मैंने चालू किया नहीं था, और मैं बकबक बकबक करी जा, मतलब आधे घंटे तक बोल गया, बाद में याद आया कैमरा तो चालू ही नहीं है। तो हम जिस गांव से आए हैं, वो गांव है हमारा बिदनोई गांव है, जो अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट एक हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसको सारे छोटी काशी के नाम से जानते हैं, और मिनी क्यूबा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत बॉक्सर्स यहाँ से निकलते हैं। छोटी काशी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मंदिर बहुत हैं, और मतलब इसको पहले से छोटी काशी बोला जाता है। बाकी ये छोटा सा एक शहर है, जहाँ से मैंने आपको बताया कि हमारे पिताजी हमारे को शुरू से ही ले आए थे, शहर में ही हम रहे हैं ज़्यादा, और वहीं हमने पढ़ाई करी है, और हमारे पिताजी की मेहनत से शहर में वो मुकाम हमने हासिल करा है। बाकी आज पूरी फैमिली साथ है, तो इस बहाने में आपको मिलवाऊँ हमारी माता जी से, जो है हमारे साथ, और हमारे पिताजी। हेलो। तो ये ब्लॉग में पहले तो पापा आते नहीं थे, पापा को ऐसे लगता था पता नहीं क्या है क्या नहीं। आज आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों ने जो मेरे को सब्सक्रिप्शंस करा, और जो कमेंट्स आपने अच्छे अच्छे करे, तभी मैं कहता हूँ अच्छे कमेंट्स करो, क्योंकि मेरे पापा मेरी फैमिली ये सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, और उस वजह से पापा को ऐसा लगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूँ, और हंसी मजाक भी कर लेते हैं आपके साथ, तो पापा को मेरा काम अच्छा लग रहा है। रंदा, आपका वैलेंटाइन डे कैसा गया? दोस्तों एक बहुत कमाल की चीज है वैलेंटाइन डे पे रंजना ने। वैलेंटाइन डे पूरा दिन मेरा घर पे गया, मैं पूरा दिन घर पे थी। मैंने आपको गिफ्ट दिया? हाँ, मेरे को गिफ्ट दिया। मैंने रंजना को गिफ्ट दिया, और सोचो क्या गिफ्ट था, बहुत स्पेशल गिफ्ट था। रंजना मेरे को बोली, मेरे को क्या गिफ्ट दोगे क्या गिफ्ट दोगे, घर में घी खत्म हो रहा था, तो मैं 10 किलो का पीपा ले आया घी का। तो इस बात पे लाइक कर देना एक, कि मैंने रंजना को पीपा दिया घी का। और प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग मेरे चैनल को देखते हो, आपको अच्छा लगता है, मेरे व्यूज भी देते हो, पर एक मेरे चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको आप दबाओ और मेरे को और ग्रोथ दो। धीरे धीरे हमारा चैनल बढ़ रहा है। और देख लो, ये जो हमारी बिल्ली है रन्ना रानी, इसको तो सोने का बहाना चाहिए। अभी पीछे जैसी गाड़ी चली सोना शुरू, 17 घंटे सोती है दिन में, 17 घंटे सोती हूँ मैं। और आपका, आपको कैसे पता, आप तो ऑफिस होते हो। अरे मुझे दिखता है जब भी फोन करूँ सो रही हूँ। नहीं, और काम कौन करता है फिर, आपके जूते कौन साफ करता है, आपके कपड़े कौन जूते साफ करता है? हाय राम, क्या बोल रही है। कल रात को खाना किसने बनाया घर आके ऑफिस से? वो तो मैं बोलो बोलो खाना बनाया था, उसका क्या किया आप? दोस्तों आप एक कमेंट करके बात बताना, कोई भरते में अंडा डालता है क्या? और इसने मेरे भरते की सब्जी बनाई जिसमें अंडा डाल रखा था, तो आपने कभी खाया है? बैंगन के भरते की बनाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंगन के भरते की बनाई, आपका भरता नहीं बनाया मैंने। यूट्यूब पे देख के पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी रेसिपियां खिलाते रहती है मेरे को, और पता नहीं मतलब क्या अपना उसको बचाने में लगी रहती है। तेल बहुत अच्छा बनाया था भरता, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया, और ना इसमें इसलिए डाला था क्योंकि कुछ स्पेशल डालना था मेरे को। रेसिपी देखी वो, उसने कहा बहुत यमी होता है, आप खा के देखना, अंडा डाल के देखना, और इतने यमी होता है कि आपने कभी जिंदगी में नहीं खाया। माँ के हाथ से बढ़िया खाना अगर किसी का है तो बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। हर किसी को अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। सुबह आपको अपनी माँ का हाथ का खाना कैसा लगता है? थोड़ा थोड़ा गंदा। तो दोस्तों अपनी तो दुर्गति आपको पता ही है, रन्ना को खाना बनाना नहीं आता, पर क्या करें, काम तो चलाना है ना, शादी करिए तो निभाना तो पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी भिवानी आता हूँ तो मेहम गेट पे एक दुकान है जो बहुत मशहूर है, ये सैनी जूस की दुकान है, और यहाँ पे आके मैं हमेशा
जो है शेक्स पिया करता हूँ। मैं घर से खाना खा के नहीं आता तो यहाँ पे हमेशा मैं शेक्स पीता हूँ। तो आपको भी चल के दिखाता हूँ इस दुकान के बारे में क्या खास है। ये एक सिंपल जूस की दुकान है पर हमारे भिवाड़ी में बहुत मशहूर है ये दुकान, दिखाता हूँ आपको। तो अभी भी हम पपीता शेक पी रहे हैं, सूर्यवीर पी रहा है मैंगो शेक और मम्मी पी रही है अपना कीनू का शेक। तो भैया ये दुकान आपकी कब से चल रही है? सर हमारी दुकान को 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए हैं तो देख लो 15 साल से ये दुकान चल रही है। पहले ये दुकान बहुत छोटी सी होती थी, अब इन्होंने बड़ी हाई फाई ये दुकान बना रखी है। पूरा लेडी से शुरुआत की थी यहीं पे सर। लेडी से शुरुआत की थी जी, 2005 को रेडी लगाई थी 19 तारीख को। और आप ये लगा लो 2005 से लेके अब तक छोटे से हम बड़े हो गए, हम तब से मतलब यहाँ पे जूस पी रहे हैं, शेक पी रहे हैं। और ये हमारे ताऊ जी की फेवरेट दुकान है। मशीन भी अपने पास अवेलेबल है, हाइजेनिक मशीन है, फुल ऑटोमेटिक है, अपने आप इसे काम करती है। अच्छा, इसमें आप गन्ने का रस भी निकालते हो? हाँ, इसमें खाली ऑटोमेटिक मशीन लेके आए हैं गन्ने का रस की। इसमें खाली अपने को गन्ना लगा के छोड़ना है, ऐसे सारा जो पिक्चर है ये अपने आप करेगी। और टेम्परेचर सेट भी कर सकते हैं, ठंडा होके दूध निकलेगा हमारे पास, टेम्परेचर में ठंडा भी निकलेगा। टेम्परेचर मेंटेन दे रखा है, यहाँ टेम्परेचर सेट हो जाएगा। तो देख लो हमारे भिवाड़ी ने कितनी तरक्की कर रखी है, ऐसी मशीन बड़े बड़े शहरों में नहीं होगी जो एक गन्ने के जूस की निकालने की मशीन है यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है, जिसमें बिल्कुल टेम्परेचर से गन्ने का जूस आ सकता है। कि आपको कितने का टेम्परेचर पे चाहिए, बटन प्रेस करेंगे तो इसमें से जूस आएगा। छोटे छोटे शहरों में ऐसी खास चीज़ें मिलती हैं जो शायद आपको शहरों में ना मिले, तभी देख लो हम यहाँ आए हैं और मैं हमेशा यहाँ पे जूस पी। देख सकते हो आप ये कितना मस्त शेक है, इसमें आइसक्रीम आइसक्रीम पपीते का शेक है और पूरा पेट भर देता है। भिवाड़ी आओ तो ये शेक जरूर पीना। तो दोस्तों हम आ गए अपने भिवाड़ी वाले घर में जो विद्यानगर में है और मेम रोड के ऊपर है। ऑन रोड का मकान है हमारा, ये कुछ दुकानें हैं जो हमारी हैं और ये पीछे हमारा मकान है। ये हमारे चाचा रहते हैं इस मकान में भी और हमारी जॉइंट फैमिली है। हमारे सारे भाई कबीर को आप कई बार देख चुके हो, हम सारे भाई एक साथ रहते हैं। पापा के जो सारे भाई है वो एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली की तरह चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा मकान है, यहाँ पहुँच गया यहाँ। तो चाचा मेरे एक काम करते हैं, भिवाड़ी में मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ा दे। मेरी वीडियो के नीचे ना एक सब्सक्राइब बटन होता है, उसको अगर दबाओगे ना तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो दबा देगा क्या? दो बार दबवा देंगे, मैं भी दबा दूंगा और दोस्तों से भी दबवा। अरे दो बार नहीं दबाना, एक बार दबाना, दो बार में तो कैंसिल हो जाएगा। ना दोस्तों से दबवा देंगे ना एक बार। हाँ एक ही बार दबवाना है और आप लोग भी सारे दबा देना प्लीज, रिक्वेस्ट है। गाँव की ये मौज तो खास है, ये मौज तो खास है। ये दूध देख लो आप, ऐसा ताजा दूध आपको गांव में ही मिल सकता है। सुबह करो हेल्प, बुआ की हेल्प करो करो जाओ 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दूसरा तो पकड़ लो ना, जो फ्री है वो पकड़ लो, पकड़ लो पकड़ लो। ऐसे अंगूठा, ऐसे ऐसे अंगूठा बीच में, हाँ खींचो। MBA लड़की दूध निकालेगी अब, गन्ना करियो, देखते तेरे को आता है कि नहीं आता। ए बुआ इसे करने देना रन्ना ने। करियो, मम्मा को भी नहीं आता है। रन्ना रहने दे तेरे बच्चे, देख मैं निकाल के दिखाऊं है तेरी के, देख देख लो जी। मारी अर्जुना को पूछ, अर्जुन नाच